तो भाई फाइनली टिकटॉकर्स की भी आखिरकार सुनी गई है और पीटीए की तरफ से नवे ट्वीट्स किए गए हैं। ट्वीट पैगाम में कहा गया है कि उनकी कल जो है सीनियर इंतजामिया, जो टिकटॉक की सीनियर इंतजामिया है, उनसे ऑनलाइन मुलाकात हुई है और टिकटॉक के हवाले से कुछ तबादला ख्याल हुए हैं। टिकटॉक की पीटीए की तरफ से ये कहा गया है और ये भी कहा गया है कि उन्हें जो हमने अल्टीमेटम दिया था उस पर अभी तक वो पूरा नहीं उतरे। उसके अलावा टिकटॉक के जो सीनियर इंतजामिया है उन्होंने कहा है कि हमें थोड़ा वक्त दरकार है, उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा है हमसे ताकि हम जो टिकटॉक पर फहाशी वाले कंटेंट थे या गैर अखलाकी या गैर कानूनी कंटेंट थे उनको मुकम्मल तौर पर हटाया जाए। उसके अलावा टिकटॉक का ये भी कहना है, उस टिकटॉक की सीनियर इंतजामिया का ये भी कहना है कि हमने 49 लाख जो वीडियोज़ थी हमने टिकटॉक से डिलीट कर दी हैं, टिकटॉक से हटा दी हैं। उसके अलावा 1300 या 13000, अब ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा, इतने अकाउंट्स को भी बैन कर दिया गया है टिकटॉक पर। उसके अलावा काम चल रहा है, जैसे ही टिकटॉक पर मुकम्मल जो भी गैर कानूनी और गैर अखलाकी कंटेंट थे मुकम्मल तौर पर जब हटा दिए जाएंगे या फिर ऐसे अकाउंट्स जो मौजूद हैं टिकटॉक पर उनको बैन कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा। लेकिन पीटीए की तरफ से अभी तक ये नहीं कहा गया कि हम इसको खोल देंगे या फिर जल्दी खोला जाएगा। फिलहाल सिर्फ टिकटॉक की सीनियर इंतजामिया से पीटीए की ऑनलाइन कल मुलाकात हुई है, जिस पर यही तबादला ख्याल हुआ है कि उस पर जितने भी गैर कानूनी कंटेंट है या गैर अखलाकी कंटेंट है उन सबको टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से रिमूव किया जाए और जो अकाउंट्स उसमें मौजूद हैं चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं उन तमाम अकाउंट्स को बैन कर दिया जाए मुकम्मल तौर पर। तो ये इसी बारे में तबादला ख्याल हुआ है कल पीटीए और टिकटॉक की इंतजामिया का। अब आने वाले दिनों में क्या अपडेट आती है, वो जो भी अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर करता रहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि टिकटॉक के हवाले से लम्हा बलम्हा जो भी नई अपडेट आ रही है वो मैं आप लोगों को अपने चैनल पर शेयर करता आ रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ऑल पर लाजमी क्लिक करना ताकि अगली अपडेट आए तो फौरी तौर पर आप तक पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।